नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कभी पीएम मोदी को तानाशाह बताया तो कभी अपने भाषण में संविधान खतरे में है के नारे लगाए। राहुल गांधी ने 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने संविधान को बचा लिया। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल संविधान बचाओ के नारे से बीजेपी पर लगातार तीखे हमले कर रहे थे। लोकसभा चुनाव में संविधान का ये मुद्दा जोरों शोरों से भी उठा था, जिसका कहीं ना कहीं फायदा विपक्ष के इंडिया गठबंधन को भी हुआ। लेकिन विपक्ष का अब यही मुद्दा भाजपा के लिए हथियार बन गया है। जी हां, बीजेपी ने एक बार फिर विपक्ष के हमलों का करारा जवाब देते हुए फैसला किया है। केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया है। तो चलिए आपको बताते हैं इसके पीछे क्या कारण है और भाजपा ने 25 जून का ही दिन क्यों चुना। केंद्र की मोदी सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित करते हुए शुक्रवार को इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने पोस्ट किया, 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तानाशाह मानसिकता का परिचय देते हुए देश पर आपातकाल थोपकर हमारे लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था। लाखों लोगों को बिना किसी गलती के जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। अब आपको बता दें कि 25 जून 1975 को तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। अब इसी के मद्देनजर मोदी सरकार ने कांग्रेस को घेरते हुए इस दिन को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया है। अधिसूचना में लिखा गया है कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तानाशाही मानसिकता का परिचय देते हुए देश पर आपातकाल थोपकर हमारे लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था। लाखों लोगों को बिना किसी गलती के जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। ये दिन उन सभी लोगों के महान योगदान को याद करेगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को सहन किया था। वहीं बीजेपी ने कहा कि हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना लोगों को कांग्रेस की तानाशाहीपूर्ण मानसिकता के खिलाफ लड़ने वालों के बलिदान और शहादत की याद दिलाएगा। तो वहीं सरकार के इस फैसले का एक तरफ एनडीए के नेता स्वागत कर रहे हैं तो वहीं विपक्ष के नेता आलोचना कर रहे हैं। 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किए जाने के बाद कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री से कहा कि 10 वर्षों में आपकी सरकार ने हर दिन संविधान हत्या दिवस ही तो मनाया है। जाहिर है इससे पहले सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की अधिसूचना जारी की। इसको लेकर पीएम मोदी ने कहा कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना हमें ये याद दिलाएगा जब भारत के संविधान को कुचला गया था। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस हो या सपा, सभी विपक्षी दलों ने संविधान का मुद्दा जोरों शोरों से उठाया था और जनता को मोदी सरकार के खिलाफ करने की कोशिश की थी और इसका कहीं ना कहीं फायदा विपक्षियों को चुनाव में हुआ भी। भाजपा के वोट बैंक में भारी गिरावट देखने को मिली, लेकिन मोदी का यूं कहां चुप बैठने वाले थे, आखिरकार उन्होंने इसकी काट निकाल ही ली और राहुल गांधी को करारा जवाब दिया है। ऐसे में अब विपक्ष क्या करता है ये देखना वाकई में बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।